नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उपस्थित हूँ एक नए विषय के साथ। श्रीमद् भगवत गीता के विषय में कौन नहीं जानता। हम अपने जीवन में कितने परेशान हैं, कितनी सारी समस्याएं हैं, कितनी बाधाएं हैं, परंतु यदि भगवत गीता के ज्ञान को हम अपना लेते हैं, उनमें से कही गई बात, कुछ ही बातों को यदि हम अपने अंदर उसका समावेश कर लेते हैं, तो हम समस्त दुखों से, समस्त वासनाओं से, समस्त क्रोध से, ईर्ष्या से, लालच से, हर प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर भी कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा कि मेरा वीडियो आप सभी को कैसा लगा। बढ़ते हैं विषय पर अपने। श्री कृष्ण द्वारा कही गई ऐसी ही कुछ बातों को मैं आप तक पहुंचाना चाहती हूं। इनमें से यदि कुछ बातों का समावेश हमारे अंदर हो जाए तो शायद हमारा जीवन सार्थक हो जाए। सबसे पहली बात, नंबर वन, आनंद अपने भीतर ही निवास करता है, परंतु मनुष्य उसे धन में, स्त्री में एवं बाहरी सुखों में खोजता फिरता है। नंबर दो, भगवान का वंदन केवल शरीर से ही नहीं, मन से करो। वंदन ही भगवान को प्रेम बंधन में बांध देता है। नंबर तीन, इंद्रियों के अधीन होने से मनुष्य के जीवन में विकार उत्पन्न होते हैं। नंबर चार, संयम, सदाचार, सेवा, ये गुण सत्संग से ही आते हैं। नंबर पांच, वस्त्र बदलने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है हृदय परिवर्तन करने की। नंबर छह, जुआ, मदिरापान, हिंसा, मद, आसक्ति, निर्दयता, इन सब में कलयुग का वास है। नंबर सात, अपने मन को बार बार समझाओ कि ईश्वर के सिवा मेरा कोई नहीं है। नंबर आठ, भोग में क्षणिक सुख है और त्याग में अस्थाई आनंद है। नंबर नौ, सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंग में पड़ना यह हमारे हाथ में है। नंबर दस, स्त्रियों का धर्म है कि वह रोज तुलसी की और मां पार्वती जी का की पूजा करें। नंबर 11, अपने को निर्दोष मानना ही हमारा सबसे बड़ा दोष है। नंबर 12, भगवान इन सब कसौटियों पर कसकर और जांच परख कर ही हम मनुष्यों को अपनाते हैं और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, ये थी बातें भगवत गीता के में कही गई, जो कि हम यदि अपना लें तो हमारी कितनी समस्याएं दूर हो जाएं, कितनी बाधाएं दूर हो जाएं और हमारा मन कितना शांत हो जाए। तो आशा करती हूँ कि ये जानकारी आप सभी को अच्छी लगी होगी। यदि ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइएगा, और फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय।